कहा यूपी में काबा और उसको पुलिस का नोटिस मिल गया, और उत्तर प्रदेश में तो ये पहले से चल रहा है कि अगर आप सरकार के खिलाफ सच्चाई रखेंगे और सरकार को ये लगता है कि सरकार के खिलाफ कोई बात है या उनके सरकार से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ, तो ये मुकदमे दर्ज करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के साथ किया है, ये निंदनीय है, दुखद है। इस तरह की कार्रवाई उत्तर, जब आप एयरपोर्ट हवाई जहाज में बैठने जा रहे हो, ये बीजेपी की कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है। मुझे याद है जब मैं प्रयागराज जाना चाहता था, इन्होंने अधिकारियों को हवाई अड्डे पर भेज करके हवाई अड्डे में जो जहाज खड़ा था उसमें चढ़ने नहीं दिया था, जबकि यूपी पुलिस को कोई अधिकार नहीं था कि आप किसी को हवाई जहाज यात्रा से रोक सकते हैं। लेकिन देखिए आप अधिकार कितने बढ़ गए इनके, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा करके इनके खुद अधिकारी सीढ़ी पे खड़े हो गए और मुझे हवाई जहाज से नहीं चढ़ने दिया। तो जो दिल्ली में हुआ है, हवाई जहाज में कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ गए, उतार दिया, कोई नई चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही कहा जाता है वो कानून नहीं मानते हैं, संविधान नहीं मानते हैं, दूसरे के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। आपको याद होगा यही मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलाया गया था, और हमारे बारे में सोशल मीडिया में कितना कुछ खर्च कर करके इनके लोग क्या क्या कहते हैं। अगर इनके खिलाफ कह दो तो आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्होंने उठा के भेज दिया। तो ये बीजेपी का काम करने का तरीका है, उन्हें लोकतंत्र पर, कानून पर किसी पे भरोसा नहीं है। जाति जनगणना पर सूर्यकांत शाही ने कहा है कि नहीं होगी जाति जनगणना। जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बिना जातिगत जनगणना के संभव नहीं है, और उत्तर प्रदेश की और नहीं देश की, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, पिछड़े, दलित और अगड़े भी ये चाहते हैं कि उनकी जाति गिनी जाए। जो जाति जनगणना के खिलाफ हैं वो आखिरकार आउटसोर्स के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? जो लोग जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं वो जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं है? और हक और सम्मान जो छीना जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो दिया था अधिकार उनको छीना जा रहा, उसके बारे में क्यों नहीं कहते हैं ये लोग? अब तो उनके सहयोगी दलों को सोचना पड़ेगा कि जो लोग चिल्लाते थे कि जाति जनगणना हो वो कहाँ खड़े हैं। सूर्य प्रताप शाही ने साफ कर दिया कि जाति जनगणना नहीं होगी, एक इशारा किया कि नहीं करेगा। अभी सदन में बोलने दो मुझे, मैं जरूर बोलूंगा। ठीक है सर, मैं जरूर बोलूंगा।